नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। पूरे देश की नजर आज इस बात पे थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच आखिर कौन सी एजेंसी करेगी, मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। रिया चक्रवर्ती ने याचिका डाली थी जिस पर फैसला करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात जिसे लेकर लगातार रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि बिहार में एफआईआर दर्ज कराना गलत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसे बिल्कुल सही माना है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वह बिल्कुल सही है और इस पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर नहीं किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए रिया चक्रवर्ती ने उकसाया। इतना ही नहीं, 15 करोड़ रुपए के गबन का भी आरोप है कि वो पैसे ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए जिसे सुशांत सिंह राजपूत जानते ही नहीं थे। तो इस पर बड़ी खबर यही है, जो एक तो हमने आपको खबर बता दी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी, जो बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, शुरू से ही वो जांच करने के लिए मुंबई तक गई जहां उनके सीनियर अधिकारी को क्वारंटीन तक किया गया, जांच करने से रोका गया। इस पूरे एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। रिया चक्रवर्ती के वकील उस दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि यह हो ही नहीं सकता कि आप पटना में एफआईआर दर्ज कराएं जबकि पूरी घटना जो है वह मुंबई में हुई है, जिस पर यह दलील थी कि आखिर मुंबई पुलिस ने इतने दिन बीत जाने के बाद भी, लगभग 2 महीने होने चले थे, कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। इसी बिहार पर लगातार केके सिंह के जो वकील थे विकास सिंह, वो कह रहे थे कि आखिर जब आपने एफआईआर दर्ज नहीं की तो किसी एजेंसी को तो जांच करनी होगी और जांच करने के लिए यह तय हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर राजीव नगर थाने में दर्ज की गई थी उस एफआईआर को सही माना गया है। इसका मतलब साफ है कि सीबीआई ने भी उसी एफआईआर के बिहाफ पर केस दर्ज किया है और अब उसी एफआईआर को सामने रखकर जांच की जाएगी। और जब जांच के घेरे में सीधे तौर से रिया चक्रवर्ती होंगी, रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल ये भी है कि ईडी भी जांच कर रही है इस पूरे मामले की कि जो पैसे का लेन देन है वो कहां हुआ, किससे हुआ, आखिर 15 करोड़ रुपए किधर आए गए। ये तमाम सवाल रिया से पूछे जा रहे थे अभी तक और अब उनके लिए मुश्किल यह है कि अब सीबीआई उनसे सवाल करेगी कि आखिर, साथ ही सीबीआई यह भी जांच करेगी जो देश के लोग लगातार, देश की जनता जानना चाहती है कि वह कौन सी परिस्थिति थी कि एक एक्टर को आत्महत्या करना पड़ा, वो भी एक्टर जो बॉलीवुड में अपना ठीक ठाक मुकाम बना चुका था, जिसके लिए कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि वह आत्महत्या कर सकता है, लेकिन उस एक्टर ने आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, कई परतें अब खुलेगी। अब ना, बड़ा सवाल यह भी था कि जब बिहार पुलिस जांच करने के लिए मुंबई गई तो उसे ना तो मुंबई पुलिस कोऑपरेट कर रही थी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट दे रही थी। सवाल कई सारे सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि क्यों आनन फानन में आपने जो है पोस्टमार्टम किया, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज क्यों नहीं है। कई सारे सवाल उठे थे मुंबई पुलिस पे और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि बिहार पुलिस की एफआईआर बिल्कुल सही थी, यानी कि जो गुप्तेश्वर पांडे पहले दिन से कह रहे थे, जो बिहार पुलिस में डीजीपी हैं, वो पहले दिन से कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में अगर कोई गुनहगार है तो हम उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। और देखिए, केके सिंह ने जब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी तो बिहार सरकार ने उसकी अनुशंसा की और केंद्र सरकार ने उस अनुशंसा को मान लिया। उसके बाद रिया चक्रवर्ती बार बार ये कह रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई में हो ना कि पटना में, और उसके बाद इस पर बहुत बड़ी सुनवाई हुई। लगातार हर पक्ष के वकील ने जिरह की, उस जिरह के तमाम पॉइंट को नोट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा और आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए पहला फैसला तो यह दे दिया गया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी कि सुशांत को न्याय अब सीबीआई दिलाएगी। लगातार सोशल मीडिया पर जो यह चल रहा था, यह लगातार लोग
ट्रेंड करवा रहे थे कि जस्टिस सुशांत को जस्टिस चाहिए और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही यह काम कर सकती है। बिहार पुलिस भी जांच करने के लिए गई थी लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे रोक दिया। महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता था कि आखिर सुशांत के मामले में कौन क्या छुपा रहा है, मुंबई पुलिस किसे बचा रही है, महाराष्ट्र सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है, इसकी क्या बात थी जिसे लेकर लगातार लोगों में भी ये गुस्सा फूट रहा था सोशल मीडिया पर कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और साथ ही रिया चक्रवर्ती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को बिल्कुल सही माना है, बिहार पुलिस में दर्ज एफआईआर को सही माना है, जिस एफआईआर में कई सारे पॉइंट लिखे गए थे उसी एफआईआर के बिहार पर सीबीआई ने भी केस दर्ज किया और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बड़ा सवाल यही था कि इतने दिन बीतने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। लगातार यही सवाल सभी पक्ष के वकील कर रहे थे, मुंबई पुलिस की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनसे और महाराष्ट्र सरकार की तरफ यही सवाल किया जा रहा था कि आखिर इतने दिन बीत गए आपने एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की और इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों, क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात में होता है जबकि नियम ऐसा नहीं करता, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही जब परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं हो। क्यों किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या वाले उस फंदे में लटके हुए नहीं देखा। साथ ही बहुत सारे सवाल उसके बाद तमाम तरह के डॉक्टरों ने सवाल उठाया कि उसकी जांच को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कि उसमें कहीं भी मौत का समय दर्ज नहीं है। तो कई सारे सवाल और बड़ी बात यह है कि अब जब सीबीआई जांच करेगी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को यह निर्देश दिया है कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें सीबीआई को सौंपनी होगी। ये भी एक बड़ी बात है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक जो मुंबई पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स को छुपा रही थी, वो बिहार पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, तो अब उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को उन्हें सीबीआई को देना होगा। सीबीआई उस बिहार पर अब जांच करेगी। बड़ी बात यह है कि जब यह जांच होगी तो इस जांच के बाद क्या सुशांत सिंह राजपूत को अब न्याय मिलेगा। लोगों का यह भरोसा है, लगातार सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड भी कर रहा है, लोग यह मानते हैं कि अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो कई सारे राज से पर्दा उठेगा। बॉलीवुड का वो सियास चेहरा जिसे लेकर कंगना रनौत लगातार बात कर रही है, नेपोटिज्म पर बात चल रही है कि क्या नेपोटिज्म को लेकर ऐसा हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर क्रिएट की गई सुशांत सिंह राजपूत के आसपास जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। सवाल कई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है, एजेंसी को तय कर दिया है कि कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी। सीबीआई के हाथ में अब पूरा मामला है, सीबीआई अब इस पे जांच शुरू करेगी। वहीं ईडी भी सवाल कर रही है रिया चक्रवर्ती से। बड़ी मुश्किल यह है कि जो रिया चक्रवर्ती अभी तक लगातार कहानियां गढ़ रही थी, अब वो सीबीआई को कौन सी नई कहानियां सुनाएंगी, क्योंकि आप देखिए जब जब जांच में आया तो उन्होंने कई तरीके की बात कह दी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि परिवार से सुशांत सिंह राजपूत की बनती नहीं है, यहां तक कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को लेकर भी आरोप लगाया। लेकिन अब सीबीआई के सामने कौन सा नई कहानी गढ़ेगी रिया चक्रवर्ती, ये भी देखना होगा। लेकिन अब यह मामला तय है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में जब सीबीआई जांच करेगी तो कई लोग अब इसके शिकंजे में आएंगे। सवाल अब फिर से कई सारे लोगों से होंगे और कई सारे सवालों से पर्दा भी हटेगा। तो जिसका इंतजार था देश को, अब वह बड़ा फैसला आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सबसे बड़ी बात, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना।